देखो गाइस, मैं और बाबा थोड़ी इवनिंग वॉक कर रही हूँ, सो वीडियो को फर्स्ट से एंड तक देखने की कोशिश कीजिए गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और अहमबी राइज पुनर्बार मोर चेनेल सकुके स्वागत जानसो। सो सुबह उठ के अभी मैं पूजा पाठ करने लगी गाइस। मेरी दिन शुरुआत होती है पूजा से, पूजा करने के बाद ही सब कुछ मैं काम वगैरह करती हूँ, दिन भर के लिए फ्री हो जाती हूँ। सो अभी पूजा पाठ हो गई गाइस। अभी एक कप मैं ब्लैक कॉफ़ी लूँगी, साथ में एक मैरीगोल्ड बिस्कुट और मुड़ी। और दोपहर के लिए देखो भात केरला की निरामिष एक सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि आज है गुरुवार। गुरुवार को मैं टोटल वेज खा, मतलब निरामिष खाती हूँ वेज के साथ। सो न्यूट्रला डे के ही बनाऊँगी भात केरला और आलू न्यूट्रला डे के और जीरा पीस के। सब्जी आज मैं कुकर में ही बना रही हूँ गाइस। थोड़ी न्यूट्रला भी दे दी थी इसको, एकदम मतलब निरामिष है इसलिए। सब्जी हो ही गई है लगभग, और थोड़ी मसूर दाल बना रही हूँ गाइस थोड़ी देर के लिए। और मेरी निरामिष सब्जी हो गई। साग भाजी करूँगी, देखी साग को जीरे दे के मैं तड़का लगा रही हूँ गाइस। देखो काला जीरा और सफेद जीरा लगा के तड़का लगा रही हूँ। देखो गाइस तड़का लगा दी, आज एकदम सिंपल है। मैं रोटी खाऊंगी, ये लोग राइस खाएगी। आज क्योंकि गुरुवार है, गुरुवार को मैं ये सब मसूर दाल नहीं खाती हूँ, बाबा जहाँ नाना के लिए बनाई हूँ। मैं सुबह की थोड़ी सब्जी थी एकदम निरामिष वही खाऊंगी, साथ में ढेकी साग की भाजी और कुछ ले लूँगी। थोड़ी तरह की भाजी करूँगी गाइस, पूरी भरी से ना। और मेरी तरह की भाजी रेडी हो गई गाइस। चने के साथ, चने के साथ मैं भाजी कर रही हूँ आलू दे के। तो दो बजे के टाइम सब बाबा लोग को कुछ खाना चाहिए बोल रहे हैं, और मतलब दिन से आने में देर हो गई, तो आप लोग को रेसिपी नहीं दिखा पा रही। ऐसे ही आप लोग को जो बनाई थी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ गाइस। ये थोड़ी चने की चटनी बना रही हूँ अदरक और बिना लहसुन के भी मिर्चा दे के। सो गाइस मेरी भाजी हो गई। मेरे लिए रोटी सेक रही हूँ अभी, आज खाने का मतलब राइस खाने का मन नहीं है, सो सूखी रोटी ही खाऊंगी मैं। सो गाइस मेरी थाली देखो, रोटी ली है, दो ली है, लेकिन दो शायद नहीं मैं खा पाऊँगी, मन भी नहीं है ज़्यादा खाने के लिए आज। तो तोरी सब्जी और ये जो निरामिष न्यूट्रेला भात करेला की साथ जो सब्जी, एक साथ में मिर्चा भी ले रही हूँ गाइस। और लूँगी जो ढेकी साग बनाई थी ना मैंने, वो भी ये ले ली है, मुझे बहुत पसंद है ढेकी साग चने के साथ। और लूँगी थोड़ी जो चने की मूंग दाल के साथ चटनी बनाई थी,
बिना लहसुन की, वो भी ले ली है गाइस। और मैं तो मसूर दाल नहीं खाऊंगी, मसूर दाल नहीं खाऊंगी आज मैं, इसीलिए एक मतलब पापड़ भी ले ली साथ में, ये लोग मसूर दाल खाएगी। सो बाबा जान खा रहे हैं गाइस, अभी मैं खाऊंगी। ये है मेरी थाली। सो मेरी आज की थाली कैसी लगी गाइस, थोड़ी बहुत दिखाने की कोशिश की, थोड़ी थोड़ी मोमेंट आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ, सुबह से लेकर दिन भर क्या क्या किया मैंने आज। कैसा लगा गाइस कमेंट करना, कमेंट करने से मुझे बहुत खुशी मिलेगी। देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। फिर से दिखा रही हूँ पास से, देखो आज की मेरी थाली एकदम फुल निरामिष। इवनिंग हो गई है, बाबा कहाँ हो बाबा, बाबा भी स्टडी करेगा गाइस। और मैं थोड़ी अभी, इवनिंग हो गई है गाइस, अभी मैं थोड़ी पूजा पाठ कर लूँगी, इसको अभी साफ़ करनी है क्योंकि शाम हो गई है। और मेरी माँ को एक बार फिर से सभी दर्शन कर लो, बाबा और मैं इवनिंग वॉक कर रही हूँ गाइस। देखो बाबा कॉल पे बिजी है, थोड़ी इवनिंग वॉक करने से मन भी अच्छी लगती है और हेल्थ भी, इसलिए गर्मी भी ज़्यादा है इसलिए रोड पे आके थोड़ी इवनिंग वॉक कर रही हूँ गाइस। पूजा पाठ भी हो गई, देखी आप लोगों ने। बहुत अच्छी लगती है मुझे ये सब। गाइस सुबह से लेके अभी शाम होने वाली है, आप लोग के साथ में जुड़ी हुई थी। आज मतलब मैं फेस के साथ आप लोग के सामने बनाने के टाइम कुछ दिखा नहीं पाई, फटाफट ऐसे ही बना ली, जो जो बनाई आप लोग को दिखाने की थोड़ी बहुत कोशिश की गाइस। अच्छा लगा वेज, आज गुरुवार है सब मैं निरामिष ही बनाई थी, सिर्फ जान और बाबा के लिए दाल बनाई थी, मसूर दाल वो तो मैं नहीं खाई। और ऐसे ही आज का मतलब ब्लॉग ऐसे ही ख़त्म करूँगी, कुछ कुछ दिखाने की सिर्फ कोशिश की गाइस। आज का ये छोटी मोटी ब्लॉग कैसे लगा, अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आगे से सुंदर सुंदर रेसिपी लेके आप लोग के सामने मैं आऊँगी, दिखाने की कोशिश करूँगी हम लोग का इधर का जो आसाम का कुछ रेसिपी है, मतलब दिखाने की। जैसे आज मैं ढेकिया साग बनाई थी, ये मतलब हम लोग का इधर में ढेकिया साग आसाम में फेमस है गाइस। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है खा के, लहसुन प्याज के साथ फ्राई करने से ज़्यादा टेस्ट आती है, लेकिन आज मैं अदरक के साथ ही फ्राई की थी। कभी कभार दिखा दूँगी। और लंबा नहीं करूँगी आज की ब्लॉग गाइस। सब अच्छे से रहिए, खुश रहिए। आज के लिए बाय बाय, टाटा।